साहब ने दोस्त मोहम्मद खोसा को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया है। वाज़ह रहे कि इससे पहले मुलाकात हुई थी इमरान खान से और पूरे ख़ानदान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया था, लेकिन दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि जुल्फ़िकार खोसा के साहबजादे हैं उन्हें पार्टी में लेने से इनकार कर दिया गया है। फारूक बंदियाल पर रद्देअमल से घबरा कर इमरान खान शायद मोहतात हो गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोस्त मोहम्मद खोसा को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया है। जुल्फ़िकार खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की थी और पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया था और दोस्त मोहम्मद खान खोसा जो कि उनके साहबजादे हैं उन्हें पीटीआई में लेने से अब इनकार कर दिया गया है। कजाफी बट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। कजाफी, वजूहात क्या सामने आ रही हैं इस फैसले की? जी, इस फैसले की असल वजूहात ये है कि दोस्त मोहम्मद खोसा पर सपना केस है जो अभी तक क्लियर उसमें से वो नहीं हो सके हैं और इसी को बुनियाद बनाकर जो है पीटीआई की क्यादत ने जुल्फकार खोसा साहब से माजरत की कि उस केस की वजह से जो है वो दोस्त मोहम्मद खोसा को नहीं ले सकते, क्योंकि इस हवाले से खासे तहफ्फुज़ात हैं पीटीआई के अंदर और बाकायदा तौर पर जो है दोस्त मोहम्मद खोसा को इमरान खान ने जो है मुलाकात में आगाह भी कर दिया और जिस वक्त जुल्फ़िकार खोसा साहब ने ज्वाइनिंग दी उस वक्त दोस्त मोहम्मद खोसा जो है वो घर में भी मौजूद नहीं थे और वाजह तौर पर उन्हें बताया गया था कि दोस्त मोहम्मद खोसा को जो है वो पार्टी में नहीं लिया जाएगा सपना केस की वजह से। ठीक है, काफी शुक्रिया आपका।